इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। हम तो बीजेपी को देता है टाइट बीजेपी को देता है। इस बार किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। आईएन पे हमला हुआ था धौलपुर के अंदर, पर उसको बीजेपी ने टिकट दे दिया, उसके बारे में क्या? उस बारे में बीजेपी को दिया हमला। क्यों बीजेपी को? क्या किया बीजेपी ने? कुछ भी नहीं किया, दे देंगे किसी को। राजस्थान के सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम पहुंचे हैं बाडोती कस्बे में। यहाँ एक चाय की दुकान पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि जनता का मूड क्या है, इस बार किस तरफ जाने वाली है, क्या मूड है, किसको वोट दोगे अब की बार, क्या सरकार किसकी बना रहे हो? सरकार तो हमारे यहाँ पे देखो ज्यादा कर तो अभी तो दोनों तरफ चल रहे हैं, उसे कांग्रेस को ज्यादा नहीं। कांग्रेस तो कांग्रेस की जो योजना है क्या खुश है, लोगों तक पहुंची है? हुसैन साहब अपन को तो वो योजना मिल रही है, जलो साहब भी दे रहे हैं, ये जो मतलब है तुमको बात बताऊं, सारी बात की व्यवस्था भी कर रहे हैं चीज की, अभी तेल वो दिया, दाल नमक भी दिए हमने, और भी दे रहे हैं जिसमें जो लाभ मिल रहा है, जो दे रहे हैं सरकार मिल रहा लाभ हमें। तो ये इनका मूड था कांग्रेस का, ये सेसा गांव के रहने वाले, इन्हीं के साथ एक और बैठे हैं जो इनके साथी है, इनसे हम जानेंगे। एक युवा है, युवा का क्या मूड है इस बार, क्या मूड है, किधर जाओगे, किसको किससे सरकार बनाओगे? इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु है, आशु वहाँ के रहने वाले। क्यों कांग्रेस को ही क्यों? कांग्रेस ने अच्छा काम किया, बहुत काम करवाया सवाई माधोपुर जिले में, और अशोक गहलोत जी ने हर जगह अच्छा काम करवाया, पूरी रोड सेसा गाँव में बिल्कुल रोड नहीं था, बहुत अच्छा रोड बनवाया, बहुत अच्छा काम करवाया, यहाँ पे डैम बनवा दिया, उससे हमारी पानी की समस्या कम हो गई। क्या नाम है? भरतलाल। भरतलाल जी इस बार किसकी सरकार बना रहे हो? किसकी हाल कोई पता को ना, फिर भी दिमाग में तो कोई बात होगी? नहीं कोई पता को ना हाल सरकार को, कोई वोट आओगे जी सरकार बनेगी। नहीं तो आप किसको चाहते हो? हम तो आशा उतारिया था, आशा जो निर्दलीय प्रत्याशी है सवाई माधोपुर से, बीजेपी से जो बगावत करके चुनाव लड़ रही है। आपका क्या मूड है इस बार? भाई साहब हमारा मूड है आपका आशा को जिताना है सवाई माधव से। आशा को क्यों? ये हमारे एरिया के है, एरिया के तो और भी होंगे, और तो बाहर के लोग है। ये 5 साल से मेहनत कर रही है। क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन नाम है, सेसा है मेरा गांव। और भी है यहाँ, इनसे भी हम बात करेंगे। सर आपका क्या नाम है? राम। क्या मूड है, सरकार किसकी बनाने का मूड है? सरकार को तो बताओ साहब की बनाएगी। आप किसको वोट दोगे? डॉक्टर करोड़ी। बीजेपी के प्रत्याशी है, बीजेपी को क्यों? हम तो बीजेपी को देता है टिकट, बीजेपी को, बीजेपी को देता। यहाँ एक भैया चाय भी बना रहे हैं, इनसे भी हम पूछेंगे इनका क्या मूड है, क्या किसको वोट दोगे, किसकी सरकार बनाओगे? बीजेपी को दिया। क्यों बीजेपी को? क्या किया बीजेपी ने? कुछ भी नहीं किया, दे देंगे किसी को। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम यहाँ देखेंगे। एक ठेले पे है जो बड़े बनाते हैं, और जलेबी और बाडोती के बड़े वैसे भी मशहूर हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि इस बार इनका क्या मूड है, इस बार किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों? तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है इसलिए। तुष्टिकरण मतलब? मैं थोड़ा सा खुल के बताओ किस तरह से तुष्टिकरण की? बद्री माफिया। तो बजरी माफिया में तुष्टिकरण कहाँ आ गया? बलात्कार, आज कल भी बलात्कार हुआ लालसोट के अंदर। बीजेपी न्याय दिलाएगी? बीजेपी दिलाएगी न्याय? पहले भी बीजेपी थी भी गवर्नमेंट, तभी न्याय मिला था? नहीं तो एक जैसे दलित आईएन पे हमला हुआ था धौलपुर के अंदर, पर उसको बीजेपी ने टिकट दे दिया, उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में हम। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार साहू। कमलेश।